थोड़ी सी एहतियात की जरूरत है, और वो एहतियात जो एक माँ की आँख ही उसको उस तक पहुँच सकती है, लिहाजा अपनी आँख भी खुले ही रखें और दिमाग को भी अलर्ट रखें। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। ब्यूटी में बहुत सारी चीजें दे रहे होते हैं, लेकिन एक ऐसा मसला है जिसका शिकार आज हर दूसरी बच्ची है, और वो क्या है, मैं किसी उसकी बात नहीं कर रही, बात होगी अनवांटेड हेयर्स की। ना पसंदीदा बाल जो है वो एक ऐसे हैं कि पहले तो बहुत कम सुनने में आते थे, लेकिन अब हर दूसरी तीसरी बच्ची जो है इसका शिकार है। उसकी बहुत सारे वजूहत है, पीसीओएस हो गया है, आपके हार्मोनल इंबैलेंसमेंट है, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल है, फॉर्मूला क्रीम का इस्तेमाल है, जिसकी वजह से जो है चेहरे के ऊपर इजाफी रुआ हो जाता है या नापसंदीदा बाल उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। अच्छा, हम जितनी कोशिश करते हैं गलत तरीके से वैक्स कर ली है या गलत प्रोडक्ट यूज कर लिया है, वो बाल बढ़ते चले जाते हैं। अक्सर नजर आते हैं कि जो छोटी कम उम्र के अंदर बच्चों को नजर आती है, ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। न्यू बॉर्न को हम डुबली करते हैं, जिसे वही कहते हैं, वो करते हैं, उससे बाल बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बाल होते हैं, खासकर शोल्डर के ऊपर, आपके फॉरहेड के ऊपर, बच्चों के पूरी बैक के ऊपर, वो जो रुआ होता है, जैसे वो प्यूबर्टी की एज में पहुंचती है तो वो आधे से ज्यादा बाल झड़ जाते हैं। उसके बाद जो बाल रह जाते हैं वो काउंट होते हैं कि वो आपका एक नेचुरल जो है रुआ है। और उसके बाद अगर कोई बॉडी के अंदर कोई ऐसी चेंजेस आ जाए, कोई ऐसा कहना चाहिए कि हॉर्मोन्स का डिस्टर्बेंस आ जाए, हॉर्मोन डिस्टर्ब हो जाए, कोई और इशू आ जाए, कोई आपका चाहे वो पीसीओएस का इशू है, चाहे थायराइड का इशू है, या कोई और मसला आ जाए, और सबसे बढ़ के बहुत ज्यादा जो है फॉर्मूला क्रीम रन करने वाली जो क्रीम है, या लो क्वालिटी कॉस्मेटिक जब इस्तेमाल किया जाता है तो उससे भी चेहरे के ऊपर रुआ बढ़ जाता है। अच्छा, जब रुआ कम होता है तो उसके लिए बहुत सारी बच्चियाँ खवातीन क्या करती हैं कि ब्लीच लगाना शुरू कर देती हैं। ब्लीच जो है वक्ती तौर पर उस रुए को हल्का सा सुनहरा कर देता है, लेकिन वो रुए को मोटा करता है, जिसकी वजह से बाल मोटा होता चला जाता है और ज्यादा स्याह हो जाता है, और वो बहुत बुरा लगता है। आजकल मेकअप का बड़ा रुझान है, जो भी है बहुत कम उम्र में सब लोग मेकअप कर रहे थे, तो वो जो रुआ है बहुत बुरा लग रहा होता है, तो उसके लिए ऐसा क्या किया जाए। आज की जो रेमेडी है मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ, वो उस एज के लिए है जब स्टार्ट में आपको नजर आता है कि चेहरे पे रुआ बहुत ज्यादा है। प्यूबर्टी की एज से यानी 11 साल की उम्र से पहले भी आप ये इस्तेमाल करवा सकते हैं, और उसके साथ साथ आपने क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो ये है कि आपने सिंपल जैसे बच्चे की एज 9 साल 10 साल होती है, देखिए न्यू बॉर्न को हमने 1.25 महीने के अंदर अंदर लुपड़ी जिसे कहते हैं वो जरूर कीजिए, पहले जमाने में होती थी बट बहुत कम रिवाज हो गया, लेकिन उसको जरूर करना चाहिए 1 से 2 महीने तक, उससे बहुत फर्क पड़ता है। सेकेंड है, बच्ची जो है 8 से 9 साल की हो जाए तो उसकी पूरी बॉडी की वैक्स करवा दें। हलावा वैक्स से इजीली मिल जाती है, जो कि जेल वैक्स कहलाती है, आप देखिए कुरानी की भी आपको मिल जाएगी ये, इससे आपकी पूरी बॉडी की वैक्स करनी खुद आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी अच्छी सी जगह पे जाके सलून जाके आपने पूरी बॉडी की वैक्स करवानी है, 2 से 3 दफा आपने ये लाजमी करवाना है। उसके साथ अगर आपको लगता है कि बच्ची जो है बहुत हेयरी तो आपने 2 से 3 दफा ये करवाना है, और 3 से 4 महीने तक फॉर्म में चिकन मुर्गी का इस्तेमाल बंद कर देना है। मुर्गी खानी है तो देसी मुर्गी खानी है, इसका आपने बहुत ज्यादा खास ख्याल रखना है। अगर आपकी फैमिली के अंदर हिस्ट्री है तो 3 से 4 महीने आप एक बिल्कुल ऐसे अपनी सिस्टम को चेंज कर लेना है कि मुर्गी देसी मुर्गी खानी है। आपने सब्जी जो भी है कोशिश करके घर में आपके लगाइए जो हल्की फुल्की है, अगर नहीं लगा सकते तो कोशिश कीजिए ताज़ा फल ताज़ा सब्जी इस्तेमाल की जाए, रखा हुआ खाना नहीं खाना है, फ्रीज के अलावा कोई आइटम इस्तेमाल नहीं करना है। 3 मंथ्स की प्रैक्टिस बता रही हूँ। उसके साथ साथ जो है जो हम लोग बहुत अर्से तक फ्रीजर के अंदर चीज़ें फ्रीज कर लेते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल नहीं करनी। टेट्रा पैक की कोई चीज़ या कोई जूस है, दूध है, डब्बे की जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी है। पैकेट वाले चिप्स, बिस्किट, कुकीज, ये कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर इस तरह आपको फील होता है कि बच्ची बहुत हेयरी हो रही है या उसकी ग्रोथ बढ़ रही है, तो कुछ अर्से 3 महीने भी अगर आप कर लेते हो तो ये सारे मसाइल नेचुरली खत्म हो जाते हैं। चिप्स खाने बेकरी के ले लीजिए, बिस्किट्स खाने बेकरी के ले लीजिए, जो भी चीज़ें बनानी है घर में फ्रेश बनाइए। ये कुछ प्रैक्टिस आपने करनी है, साथ में आपने 10 साल की उम्र से पहले पहले वैक्स कराना है, हलावा वैक्स। और अभी मैं आपको जो चीज़ बता रही हूँ ये बिल्कुल नेचुरल सी है, इसको सिंपल आपने करना क्या है आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे रखा हुआ है। शहद है, शहद के साथ आपने तकरीबन 1 चमचा शहद लिया, फिर बेसन आपने मिक्स किया 1 स्पून, और इसके साथ अलसी, अलसी दिखा रही हूँ आपको, अलसी को
दिखाने के लिए मैंने रखा, इसको आपने पाउडर बना के मिक्स करना है। ये मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, इसी में सिर्फ दिखाने के लिए रखी है, इसका आपने पाउडर बना के इस्तेमाल करना है। साबुत अलसी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको पीस देंगे फिर ये इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद ये आपने पेस्ट बनाया, पेस्ट बनाने के बाद फेस के ऊपर बॉडी पे जहाँ पे भी आपके बाल है, बच्ची के या किसी भी बाल है, इसको आपने पूरा लेप कर देना है। लेप करके उसको छोड़ देंगे, तकरीबन 5-10 मिनट ये लगा रहेगा। बहुत ज्यादा 15 मिनट बहुत होते हैं। 15 मिनट के बाद सिंपल आपने जिसे आपको मैं करके दिखाती हूँ, ये आपने इसमें लगाया, जब 15 मिनट हो जाएगा तो आपने सिर्फ बेसन में आटा लेना है और इसको इस तरह से लगाना है। आपने हाथ मुश्किल कर इस तरह से जैसे हम डुबरी करते हैं, हल्के हाथ से करना है इसको उतारना। थोड़ी सी मुश्किल होगी, अच्छा जो आपका धुआं होगा वो ऐसा से इसके साथ उतरता चला जाएगा। अच्छा ये बहुत बारीक जो धुआं है उसके लिए मैं बता रही हूँ, और एक दफा में बिल्कुल भी नहीं होगा, उसको आपने रगड़ते हुए थोड़ा साफ करना है। ये आपने हफ्ते में 2 से 3 बार करना है, जब इसको पूरा साफ करना है इसको वॉश कर लेना है आपने। अच्छा जब बाल टूटेंगे, मजबूत बाल होंगे तो हो सकता है वहाँ पे बारीक सा दाना निकल रहा है, तो उसके लिए टेंशन की जरूरत नहीं है। सिंपल आपने एक आइसक्रीम लेनी है और उसके हल्की सी आइसिंग कर लेनी है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा बाल है, बच्चे को तकलीफ हो रही है, तो हफ्ते में 2 बार कीजिए, वरना हफ्ते में 3 बार इसको कीजिए। रेगुलर बेसिस पर उसको करेंगे, तमाम रोआ जो गैर जरूरी बाल है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। इसकी खास बात ये होती है कि इससे बाल दोबारा नहीं निकलते हैं। और अगर बहुत ज्यादा बाल हो गए हैं या बहुत थिक हेयर हो गए हैं तो उसके लिए भी आपको लाजमी लेजर करवाना चाहिए, लेजर करवाइए। और साथ साथ जो इवनिंग प्रिमरोज जो है वो आपने इस्तेमाल करना है खाने में, 15 साल की उम्र से इसको स्टार्ट किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह ये भी आपको जो तमाम इम्बेलेंस आपके हॉर्मोन्स हो गए उसको नॉर्मल करेगा और जो डिस्टर्बेंस उसको नॉर्मल लेके आएगा। और अगर ज्यादा कोई इशू है हॉर्मोन्स का तो सीड साइक्लिंग भी साथ साथ स्टार्ट करें, वो आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी, लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इन तमाम चीजें आपने इस्तेमाल करनी है, कुछ चीजों की एहतियात है, अगर शुरू में कर ली जाए तो आगे की जिंदगी बच्ची की बहुत पुरसकून और खुशगवार हो जाती है। तो लिहाजा जो एक एज है तकरीबन 8 से लेकर 12 साल तक, उस वक्त फुल अटेंशन दीजिए बच्चियों की ग्रोथ के ऊपर, बच्चों की सेहत के ऊपर, बच्चियों की हाइजीन के ऊपर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है। और उस वक्त जो बॉडी के अंदर चेंजेस आ रही होती है, उस वक्त जो कंडीशन हो रही होती है, अगर उस वक्त उनके ऊपर काबू पा लिया जाए तो आगे के बहुत ज्यादा मसाइल से जो है आप अपने बच्चों को महफूज रख सकते हैं और उनकी जिंदगी बहुत पुरसकून और खुशगवार हो सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बच्चों के लिए थोड़ी सी एहतियात ज्यादा करनी है। मोहब्बत तो सब करते हैं लेकिन उस मोहब्बत में थोड़ी सी एहतियात की जरूरत है, और वो एहतियात जो एक माँ की आँख ही उसको उस तक पहुँच सकती है। लिहाजा अपनी आँख भी खुली रखें और दिमाग को भी अलर्ट रखें। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रहने में।